इंडस्ट्री में कई सितारे रातों रात स्टार बन जाते हैं, लेकिन कई हिट फिल्में होने के बाद अचानक वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही एक्ट्रेस का बर्थडे है, जी हाँ, जिन्होंने मॉडलिंग से करियर शुरू ही किया था और देखते ही देखते बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेस बन गई थी। हम बात कर रहे हैं विपाशा बसु की। विपाशा बसु ने फिल्म अजनबी 2001 में जो आई थी उनसे अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अजनबी में विपाशा बसु के साथ करीना कपूर लीड रोल में थी। इसके अलावा अक्षय कुमार और बॉबी देओल ने भी बतौर लीड एक्टर फिल्म का हिस्सा बना थे। जी हाँ, लेकिन सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो कि आज भी लोगों को याद रहता है। दरअसल फिल्म के सेट पर करीना कपूर और विपाशा बसु की जोरदार लड़ाई हुई थी। रिपोर्ट की माने तो ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि करीना कपूर ने विपाशा बसु को तमाचा जड़ दिया था। फिल्म अजनबी के सेट पर करीना कपूर के डिजाइनर विक्रम ने विपाशा बसु की मदद कर दी थी। जी हाँ, इससे करीना कपूर काफी नाराज हो गई थी और विपाशा को ब्लैक कैट तक कह दिया था। विपाशा ने 2001 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की थी। मुझे लगता है कि इस मामले को जबरदस्त तूल देकर राय का पहाड़ बना दिया गया है। अगर करीना को डिजाइनर से कुछ परेशानी थी तो उस मामले में मुझे बीच में क्यों घसीटा गया? वो वाकई करीना की बचकानी हरकत थी। मैं अब दोबारा करीना के साथ कभी काम नहीं करूंगी। करीना कपूर ने भी इस बारे में फिल्म फेयर से बात की। 2002 में इस एक इंटरव्यू में करीना ने कहा था, मुझे लगता है कि विपाशा को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने 4 पेज के इंटरव्यू में करीब 3 पेज तक मेरे बारे में ही बात की। उनसे अपने काम को लेकर बात क्यों नहीं की गई? मुझे लगता है विपाशा को अब तक जितनी भी लोकप्रियता मिली है अजनबी के सेट पर डिजाइनर विक्रम को लेकर के ही और मेरे साथ झगड़े को लेकर के ही मिली है। हालांकि 2008 में करीना कपूर ने सारे गिले शिकवे भुलाकर विपाशा को सैफ अली खान के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था। तब से दोनों के बीच झगड़ा खत्म हो गया है और दोनों कई पार्टीज में भी एक साथ स्पॉट किए गए हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।